नमस्कार, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। पहाड़ी इलाकों में जंगली जानवरों का डर बढ़ता ही जा रहा है। अब रानीखेत रोड पर तेंदुआ एक घर में ही घुस आया। घर के मालिक समेत आसपास के लोगों में काफी दहशत फैल गई। दरअसल रानीखेत रोड पर रहने वाले पुष्कर भट्ट की बीवी सुबह के घर के मंदिर में पूजा कर रही थी, तभी उन्हें बगल के कमरे से दुर्गंध आई तो उन्होंने वहां देखा। कमरे में देखते ही वो घबरा गई। उन्होंने देखा कि तेंदुआ घर के अंदर घुस आया है। उन्होंने फौरन उस कमरे का दरवाजा बंद किया और वहां से भाग गई। इसके बाद तेंदुए के घर में घुसने की जानकारी रेस्क्यू टीम को दी गई। मौके पर रानीबाग से रेस्क्यू टीम आई, तब तक तेंदुआ कमरे में ही बंद था। रेस्क्यू टीम तेंदुए को ट्रैंक्विलाइज करने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन उसी दौरान तेंदुआ पीछे की खिड़की से शीशा तोड़कर वहां से भाग गया। रेस्क्यू टीम की पकड़ में नहीं आ पाया। इसके बाद इलाके में तेंदुए के होने की खबर से हर कोई दहशत में है, जिसके चलते वन विभाग ने आसपास के इलाकों में गश्त बढ़ा दी है ताकि लोगों को ज्यादा सुरक्षा मिल सके। पड़ की सूचना कल हमें आई थी, तो उसके बाद हमने इसको सर्च करवाया था, तो हमें उसके कहीं उसकी एक्टिविटी दिखाई दे नहीं थी। उसके बाद फिर आज दिन में उसकी सूचना फिर आई 11 बजे। 11 बजे के बाद हम लगातार इसको, हमारा स्टाफ भी मॉनिटरिंग कर रहा है और इसको बार बार देख रहे हैं। उसको रानीबाग से रेस्क्यू टीम बुलाई गई उस संदेह होने पर, और टीम द्वारा भी ट्रैंक्विलाइज़ उसमें कार्रवाई की जा रही थी, तभी इसी को देखते हुए भाग गया। इसके लिए हम थोड़ा गश्त बढ़ाएंगे ताकि कोई ऐसी वो ना हो। यहाँ भी लोगों के, स्थानीय लोगों से कहेंगे इसे अवेयर रहें, और हो सकता है इसमें जो भी उससे हम जन ही ना हो उसकी के लिए हम कुछ करेंगे। ऐसा तो अभी वहाँ देख के लगेगा कि हो सकता है शीशा टूट के गया है, तो हो सकता है उससे कहीं थोड़ा ब्लडिंग हुआ होगा। बाकी ऐसे जैसे आपसे भागा है, सब कुछ छोटे की भी संभावना नहीं थी। तो ये रिपोर्ट तैयार की थी नैनीताल से हमारी संवाददाता दीप्ति बोरा ने। ऐसी ही खास और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। धन्यवाद।